नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चन पांडे मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी मूवी लेकर आ रहे हैं, जिनमें से उनकी पहली मूवी जो रिलीज होने वाली है वो है सूर्यवंशी मूवी, जो रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्ट है और इस मूवी को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले प्रोड्यूस किया जाएगा। और इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ देखने को मिलेगी और इस मूवी के डायलॉग दिए फरहाद सामजी ने। इसके अलावा इस मूवी में अजय देवगन सर और रणवीर सिंह भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी में अक्षय कुमार वीर सूर्यवंशी का किरदार करेंगे, वही कैटरीना कैफ अदिति सूर्यवंशी का और सिंघम के रूप में डीसीपी बाजीराव का किरदार अजय देवगन सर निभाने वाले हैं। वहीं रणवीर सिंह इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव का किरदार करते हुए नजर आने वाले हैं। और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी मूवी 5 नवंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। और इसके अलावा जो दूसरी मूवी लेकर आ रहे हैं वो है बच्चन पांडे मूवी, इसके बाद रिलीज होने वाली है अक्षय कुमार की मूवी। और आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले है वो बच्चन पांडे को एक्शन रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है, जिस मूवी को डायरेक्शन दिया है फरहाद सामजी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले है साजिद नडियाद्वाला। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें अक्षय कुमार, कृति शेनन और जैकलिन फर्नांडिस नजर आने वाले हैं। ये मूवी कुटांडा और समझी की एक मूल पटकथा का अनुसरण करती हुई नजर आने वाली है। वहीं ये मूवी को 50 करोड़ के बजट पर बनाया है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। इस मूवी में अक्षय कुमार एक विलन का रोल करते हुए नजर आने वाले, गैंगस्टर का बच्चन पांडे का। वहीं कृति शेनन मायरा का किरदार करती हुई नजर आने वाली है, जो एक पत्रकार होती है और ये बच्चन पांडे को सुधारने की कोशिश करती है। और साथ में इस मूवी की रिलीज डेट की बात की जाए तो ये मूवी 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज की जाएगी। वहीं इस मूवी का म्यूजिक विशाल शेखर द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आप अक्षय कुमार की कौन सी मूवी ज्यादा देखना पसंद करेंगे, सूर्यवंशी मूवी या फिर बच्चन पांडे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।